हेयर ट्रांसप्लांट वीडियो। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हो और आप सोच रहे हो कि यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे हेयर ट्रांसप्लांट का, तो हेयर ट्रांसप्लांट का जब आप वीडियो बनाते हो और आपका वीडियो वायरल होता है और आप मोनेटाइज कर लेते हो और आपका वीडियोस पे अच्छा खासा व्यूज आता है, लाखों में व्यूज आता है, जितना भी आपका व्यूज आएगा तो आपका अर्निंग कितना होगा। मेरा भी इसी तरह वीडियो वायरल हुआ है, तो मैं आज आपको अपना अर्निंग दिखाऊंगा। अगर आपका कैटेगरी हेयर ट्रांसप्लांट का है तो उस पे आपका कितना अर्निंग होगा। गाइस, मैं आपको अपना वायरल वीडियो का अर्निंग दिखाने जा रहा हूँ और देखना कि 4 लाख से प्लस व्यूज आया है और इसमें अर्निंग मेरा कितना हुआ है। आप मेरे ये चैनल देख सकते हो और इसमें आप व्यूज देखो गाइस कि 4 लाख प्लस व्यूज है और इसमें आप देखें गाइस आरपीएम बहुत ही ज्यादा कम है, 0.08 का आरपीएम है। आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा डॉलर कितना बना है, 4 लाख प्लस व्यूज आया है, लेकिन फिर भी देखो गाइस कितना कम डॉलर बना है, मतलब $33 है। इस मतलब आप देखो कि कितना कम डॉलर बना है 4 लाख व्यूज पे। आप देखो कि 1000 व्यूज पे $0.08 दे रहा है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा कम है। आपने देखा कि मेरा कितना कम अर्निंग हुआ है इस वीडियो से। गाइस, अगर आप भी YouTube पे वीडियो बनाते हो, आपका अर्निंग क्या इससे ज्यादा होता है कि आपका भी इतना ही अर्निंग होता है? आप किस कैटेगरी के वीडियो बनाते हो और उसका अर्निंग कितना है, आप कमेंट करके मुझे बताओ। हेयर ट्रांसप्लांट वीडियो से बहुत ही कम अर्निंग हो रहा है गाइस, इसको देख के डीमोटिवेट नहीं होना है। आगे भी मैं देखता हूँ कि 1 मंथ बाद मेरा अर्निंग कितना होता है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। नवंबर में चैनल को मोनेटाइज किया हूँ और अभी मेरा दिसंबर चल रहा है और 1 मंथ वेट करता हूँ और अगले मंथ का अर्निंग मैं आपको दिखाऊंगा कि नेक्स्ट मंथ मेरा अर्निंग बढ़ा है कि सेम है। अगर नहीं बढ़ता है अर्निंग नेक्स्ट मंथ, तो समझ जाना कि हेयर ट्रांसप्लांट कैटेगरी में आपको ज़्यादा अर्निंग नहीं मिलेगा। हेयर ट्रांसप्लांट वीडियोज पे कम प्राइस वाला एड चलता है, तब आप ये समझ जाना।